क्या नाम बाबा? नरेश दास। क्या मामला है? मामला यह है, जो पैर की हड्डी ऊपर वाली बहुत तिरछी जुड़ गई है, नीचे वाली हड्डी है बहुत चलने में मांस में छिद्र सी है। मैं कई बार अस्पताल में आया, तीन बार भर्ती हुआ, तीनों बार मुझे अस्पताल से लगाया गया। कई बार हाथ में जब तुम पैसा जमा कर दोगे तब आपका पैसा ऑपरेशन होगा। और उससे दिन से मैं डीएम साहब के पास भी गया और जाने के बाद कागज भी ला के दिया मैंने, फोटो स्टेट मेरे पास है, और क्या कहते हैं सीमो साहब से भी कही, कहने के बावजूद उनने फोन भी किया, संजय शर्मा डॉक्टर ने उनकी भी सुनी अनसुनी करी भी थी, और क्या कहते हैं ना तो मेरी आज तक सुनवाई कही भाई थी। तब से मैं यही होली से अस्पताल के भीतर लाइन बसेरा में रह रहा हूँ। अच्छा, कौन डॉक्टर है जिनने आपसे पैसे की मांग? संजय शर्मा। कितने पैसे? 30,000। अब क्या चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश सरकार से? उत्तर प्रदेश सरकार से ये चाहता हूँ, आज उनके निवेदन है, मेरा पैर का ऑपरेशन हो जाए और जो अन्यथा लोग हैं उनका भी भला हो जाए। लाहौल सिंह है, मैं कैनी सेना का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ एक पीड़ित बाबा है जो कईयों महीनों से जो है दर्द भटक रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली में इनका इलाज नहीं किया गया। एक पैर पोलियो से ग्रस्त है, दूसरा पैर फ्रैक्चर है। जब यहाँ के सीएमओ से मैंने बात की तो उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि इसका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो सकता, इनको लखनऊ जाना होगा। 9 महीनों से ये परेशान है। जिला अधिकारी बरेली द्वारा एक आदेश दिया गया कि इनका तत्काल इलाज किया जाए, उसके बावजूद भी इनके साथ इंसाफ नहीं मिला है। इसीलिए आज समस्त कड़ी सेना के पदाधिकारियों द्वारा हम लोग बरेली सीएमओ से मिले हैं। सीएमओ से मिलने के बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इनका जल्द इलाज कराया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ के जो हड्डी विशेषज्ञ की जो डॉक्टर हैं, उन्होंने 30,000 रूपये की इनसे मांग भी की। तो मैं चाहता हूं, एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों को लेके सख्त है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। डिप्टी सीएम जो है हर सरकारी अस्पताल का मुआयना कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मैं चाहता हूं इनको न्याय मिलना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा कड़ी सेना एक कड़ा रूप अपनाने पर मजबूर होगी। नहीं, बाबा जी का महल ये पहले भी कई बार आ चुके हैं। ये जब मेरे यहाँ डॉक्टर सिद्धता थे उनके द्वारा इनको भर्ती कराया गया था, और इनको पहले उन्होंने केजीएमसी लखनऊ के लिए भेजा था इलाज के लिए, क्योंकि जैसे जो मेरे डॉक्टर हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है जो है मौजूदा आए हैं, तो वो यही कह रहे थे कि ये 2-3 साल पुराना इनका केस है, नॉन यूनियन का है, यानी कि अभी यूनियन नहीं हुई है। तो बोले कि वो उन्होंने जैसे बताया कि वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, वो हायर सेंटर में जाके यानी जब लखनऊ वगैरह में बिल्कुल पॉसिबल है। इनको क्या नाम है, एक बार पहले भेजा था, फिर 2 बार में भेजा था, 2-3 बार हम इनको भेज चुके हैं और ये वहाँ से फिर करना वापस आ रहे हैं। बाबा जी का आरोप है कि डॉक्टर संजय शर्मा है, उन्होंने जो 30,000 रूपए की डिमांड की है। नहीं नहीं, सरासर निराधार है, मांगने की वो नहीं है। तो क्या मतलब यहाँ पे वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जो मतलब इनका उपचार पुराना है? अगर फ्रेश हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हो सकता है, लेकिन पुराने केस की सुविधा जो है।